बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा में लगातार नए नए सुधार व गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। इसी क्रम में केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 के तहत निपुण भारत योजना लॉन्च की गई थी। इसी तरह से बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने निपुण लक्ष्य नाम से योजना 2021 में लॉन्च की, जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 3 तक के बच्चों को अक्षर व अंक ज्ञान कराकर उनको निपुण बनाना इसका लक्ष्य है। बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्राथमिक स्तर के बच्चों के बहुमुखी विकास को लेकर निपुण लक्ष्य अभियान 2021 में चलाया गया था, जिसको लेकर बेसिक शिक्षा विभाग मुस्तैदी से काम कर रहा है। इसी क्रम में निपुण लक्ष्य को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार गौड़ से डीजी महाराजा न्यूज की टीम ने बातचीत की। उनके द्वारा बताया गया कि बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे निपुण लक्ष्य अभियान को लेकर हम प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं। इसी को लेकर 2 दिन पहले सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें इसी बात पर चर्चा की गई, किस तरह बच्चों को अक्षर ज्ञान अंक ज्ञान कराया जाए और बच्चों को निपुण बनाने में कहां समस्या आ रही है। मोटे तौर पर देखें तो पूरे प्रदेश में निपुण लक्ष्य को लेकर आगरा 7वें स्थान पर चल रहा है। निपुण लक्ष्य को लेकर संबंधित सभी अधिकारी अपने अपने स्तर से योगदान दे रहे हैं। इनमें मुख्यतः आगरा के मुख्य विकास अधिकारी भी पूरा समय और योगदान दे रहे हैं और उनका कहना है कि आगरा को पूरे प्रदेश में निपुण लक्ष्य को लेकर नंबर 1 के स्थान पर ले जाना है, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। इसके अलावा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का कहना है कि हम विश्वास दिलाते हैं कि निपुण लक्ष्य को लेकर आगरा को प्रथम स्थान पर ले जाएंगे। इसमें देखिए, प्रॉपर वे में निपुण पे काम किया जा रहा है, क्वालिटी एजुकेशन पे। अभी इसके संबंध में बुनियादी शिक्षा पे ही कल सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन के तरफ से भी एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसी चीज़ पे सेमिनार का आयोजन था, इसमें पूरा चर्चा हुआ कि कहाँ ये समस्याएं आ रही हैं निपुण बनाने में बच्चों को। अब मोटे तौर पे देखें तो हम लोग जनपद आगरा में निपुण में पूरे प्रदेश में अच्छी टॉप 7 में हैं और बेहतर प्रयास किया जा रहा है। और निपुण लक्ष्य एक निर्धारित किए गए हैं, भाषा के लिए अलग निर्धारित किए गए हैं और गणित के लिए अलग निर्धारित किए गए हैं कक्षा 1 से 3 तक के लिए। इस पर पूरा डाइट की टीम से और मेरा पूरा फोकस है और इसमें विशेषकर CDO सर का विशेष योगदान है और उनसे लगातार इस पर वार्ता भी होती है। उनका यही कहना है कि निपुण लक्ष्य में आगरा जनपद को नंबर 1 ही चाहिए। DG महाराजा न्यूज के लिए शैलेंद्र लवानिया की रिपोर्ट।